जेडब्ल्यू मेन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखते हैं तो हम एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस एक्स है और जी ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, देन द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर फंक्शन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया गया हुआ है। तो जो एफ ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, सॉरी एच ऑफ एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा। अब हम एफ ऑफ एक्स मीन्स के जो एक्स की जगह है इधर, वहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मीन्स के जहाँ पे एक्स दिखता है वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया। अब एच ऑफ एक्स है इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसका मतलब है वह इंक्रीजिंग हम फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया हुआ है ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं तो एच डैश ऑफ एक्स आया ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसका हम चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब हम करेंगे ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 और ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1 बचा हुआ। इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इतना हमको पता चला। और हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1 ऐसे ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम नंबर लाइन पे देखते हैं तो x जो है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो इधर हम 1 बाई 2 लिख सकते हैं, 1 बाई 2 लिखा। अब हमको पता है कि ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो e की 0 पावर मीन्स के 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 उसका मतलब है x हम अब कॉमन निकाल देते हैं इज इक्वल टू, हम इसका सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू ही लेते हैं इक्वल टू, तो हम ये लिख सकते हैं इक्वल टू ही लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 और 1 इधर आएगा, अब हम क्या करें, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है सभी, तो ग्रेटर देन है इसलिए इधर माइनस प्लस और माइनस और प्लस का आंसर आएगा। तो अब माइनस वाला पोर्शन लेंगे मीन्स के ए वाला दोनों वाला लेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू लेंगे 0 से 1 बाई 2 वाला और 1 से इनफाइनेट वाला हम लेंगे, ये मेरा आंसर रहेगा। तो 0 से 1 बाई 2 और 1 से इनफाइनेट मीन्स के आंसर है इसको, ए जो है ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है तो ये भी कैसा होगा, वो भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लगे तभी 1 माइनस 1 0 पॉसिबल होगा ना, ये 0 आएगा इसलिए ये 1 बाई 2 होगा तो ये 0 0, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू हम 0 लेते हैं और ये 0 और 1 की वैल्यू रखी, तो फाइनली हमको एक्स की वैल्यू इसमें से मिलेगी, यह मेरा आंसर।